का आप ही के YouTube चैनल जेके टेक में। तो दोस्तों आज की वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं LIC का बीमा श्री प्लान। ये एक नॉन लिंक्ड पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस प्लान है दोस्तों। इसमें दोस्तों आपको गारंटीड एडिशंस भी मिलेंगे, अच्छे खासे मैच्योरिटी बेनिफिट्स भी मिलेंगे और उससे पहले आपको सर्वाइवल बेनिफिट्स भी मिलेंगे पॉलिसी टर्म के दौरान। तो दोस्तों वीडियो बेहद ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी आपके लिए। अगर आपको ये प्लान अच्छा लगे तो आप ज़रूर से ले सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जल्दी इसी वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो जो प्रीमियम पेमेंट टर्म है वो आपके पॉलिसी टर्म से 4 साल कम रहने वाला है। कहने का मतलब जितने साल की आप पॉलिसी लोगे उससे 4 साल कम आपको पैसे देने हैं। मिनिमम एंट्री एज 8 साल रखी गई है। मैक्सिमम एंट्री एज दोस्तों अलग अलग पॉलिसी टर्म के लिए अलग अलग रखी गई है। अगर आप 14 साल की पॉलिसी टर्म लेते हैं तो मैक्सिमम एंट्री एज 55 साल है। 16 साल की पॉलिसी टर्म के लिए 51 साल है। 18 साल की पॉलिसी टर्म के लिए 48 साल है और 20 साल की पॉलिसी टर्म के लिए 45 साल रखी गई है। मिनिमम सम अश्योर्ड ऑन डेथ की बात करें तो दोस्तों कम से कम आपको 10 लाख का सम अश्योर्ड ले सकते हैं और मैक्सिमम सम अश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है। ये टोटली डिपेंड करेगा आपकी इनकम पे। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज भी दोस्तों पॉलिसी टर्म के हिसाब से है। 14 साल की पॉलिसी के लिए मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 69 साल रखी गई है। 16 साल की पॉलिसी के लिए 67 साल, 18 साल की पॉलिसी के लिए 66 साल और 20 साल की पॉलिसी के लिए 65 साल रखी गई है। बेनिफिट डिटेल्स की दोस्तों अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम सर्वाइवल बेनिफिट्स की। अगर आप 14 साल की पॉलिसी लेते हैं तो इसमें दोस्तों आपको आपके सम अश्योर्ड का 30% आपके पॉलिसी टर्म के 10वें और 12वें साल पे एज ए सर्वाइवल बेनिफिट्स दिए जाएंगे। अगर आप 16 साल की पॉलिसी लेते हैं तो आपके सम अश्योर्ड का 35% आपके पॉलिसी टर्म के 12वें साल पे और 14वें साल पे दिया जाएगा। वैसे ही 18 साल के पॉलिसी टर्म में बेसिक सम अश्योर्ड का 40% आपकी पॉलिसी टर्म के 14वें और 16वें साल में दिया जाएगा आपको एज ए सर्वाइवल बेनिफिट। और अगर आप पॉलिसी 20 साल की लेते हो तो आपके बेसिक सम अश्योर्ड का 45% आपके पॉलिसी टर्म के 16वें और 48वें साल में आपको दिया जाएगा। डेथ बेनिफिट्स की दोस्तों अगर हम बात करें, अगर डेथ पॉलिसी के पहले 5 साल में हो जाती है तो नॉमिनी को सम अश्योर्ड ऑन डेथ और उनकी डेथ होने तक जितने भी गारंटीड एडिशंस इकट्ठे हुए होंगे वो मिल जाएंगे दोस्तों। अगर डेथ 5 साल के बाद होती है तो नॉमिनी को सम अश्योर्ड ऑन डेथ और डेथ होने तक जितने भी गारंटीड एडिशंस होंगे वो मिल जाएंगे। उसके साथ दोस्तों लॉयल्टी एडिशंस जो भी कंपनी डिसाइड करेगी वो मिल जाएंगे। लॉयल्टी एडिशन दोस्तों टोटली डिपेंड करता है कंपनी आपको कितना देती है। नेक्स्ट दोस्तों बात करें अगर हम सम अश्योर्ड ऑन डेथ की, बेसिक सम अश्योर्ड का 125% देखा जाएगा और एनुअलाइज प्रीमियम का 7 टाइम्स देखा जाएगा। जो भी ज़्यादा होगा वो एज ए सम अश्योर्ड ऑन डेथ कैलकुलेट होगा। दोस्तों अगर गारंटीड एडिशंस की बात करें तो पहले 5 पॉलिसी ईयर्स के लिए आपके सम अश्योर्ड के हर 1,000 रुपये पे आपको 50 रुपये का गारंटीड एडिशन दिया जाएगा जो कि सम अश्योर्ड का 5% होता है। नेक्स्ट दोस्तों 6वें पॉलिसी ईयर से लेके आपका प्रीमियम पेमेंट टर्म खत्म होने तक जितने भी साल होंगे उनमें आपके सम अश्योर्ड के हर 1,000 रुपये पे 55 रुपये का गारंटीड एडिशन दिया जाएगा। कहने का मतलब आपके सम अश्योर्ड का 5.5%। लॉयल्टी एडिशन की दोस्तों अगर हम बात करें तो आपकी पॉलिसी जो है वो 5 साल फुल्ली अच्छे से चली होनी चाहिए। ये जो बेनिफिट्स होते हैं दोस्तों या तो डेथ या फिर मैच्योरिटी पे दिए जाते हैं और लॉयल्टी एडिशन का रेट टोटली इंश्योरेंस कंपनी पे डिपेंड करता है। मैच्योरिटी बेनिफिट्स की अगर बात करें तो दोस्तों मैच्योरिटी पे सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी मिल जाएगा। ये सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी दोस्तों वो होगा जो आपके सर्वाइवल बेनिफिट लेने के बाद बचा होगा, उसके साथ जितने भी गारंटीड एडिशंस होंगे वो आपको मिल जाएंगे और लॉयल्टी एडिशन जो अगर बना होगा तो मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दूँ जो गारंटीड एडिशंस होंगे वो कैलकुलेट होंगे सिर्फ और सिर्फ आपके प्रीमियम पेमेंट टर्म तक, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी क्या होगा, जो भी आपका सर्वाइवल बेनिफिट्स के बाद आपका सम अश्योर्ड बचा होगा। तो अगर आपने 14 साल की पॉलिसी ली है तो आपको अपने बेसिक सम अश्योर्ड का 40% मिलेगा, वो इसलिए बिकॉज 60% आप ऑलरेडी सर्वाइवल बेनिफिट्स में ले चुके हो। वैसे ही 16 साल की पॉलिसी में 30% मिलेगा, 18 साल की पॉलिसी में 20% और 20 साल की पॉलिसी में आपके बेसिक सम अश्योर्ड का 10% आपको सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी मिलेगा। नेक्स्ट दोस्तों एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। मान लीजिए मिस्टर ए हैं जिनकी एज है 30 साल, बेसिक सम अश्योर्ड लेते हैं वो 10 लाख का और सम अश्योर्ड ऑन डेथ बन जाएगा उनका 10 लाख का 125%, 12.5 लाख रुपये। इस एग्जांपल को दोस्तों हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक में हम मान लेते हैं कि पॉलिसी टर्म है 20 साल, एक साइड मान लेते हैं पॉलिसी टर्म है
14 साल की, 20 साल वाली पॉलिसी टर्म में प्रीमियम पेमेंट टर्म होगा 16 साल का, और 14 साल वाली पॉलिसी में प्रीमियम पेमेंट टर्म होगा 10 साल का। ईयरली प्रीमियम दोस्तों 20 साल वाली पॉलिसी में जाएगा 70,266 रुपये का, और 14 साल वाली पॉलिसी में जाएगा 108,584 रुपये का। सर्वाइवल बेनिफिट्स की दोस्तों अगर हम बात करें तो सम शोर्ड का 45% उनको 16वें और 18वें साल में मिल जाएगा, जो कि टोटल हो जाएगा 9 लाख रुपये। और 14 साल वाली पॉलिसी टर्म में जो सर्वाइवल बेनिफिट हैं उसमें दोस्तों सम शोर्ड का 30% उनको 10वें और 12वें पॉलिसी ईयर में मिल जाएगा, जो टोटल हो जाएगा 6 लाख रुपये का। गारंटीड एडिशंस की दोस्तों बात करें तो मैंने आपको पहले ही बताया था वो कैलकुलेट होंगे सिर्फ और सिर्फ आपके प्रीमियम पेमेंट टर्म तक। गारंटीड एडिशन रेट मैंने आपको कहा था कि पहले 5 पॉलिसी ईयर में 5% का होगा और 5 साल के बाद 5.5% का होगा। तो दोनों केस में दोस्तों पहले 5 साल के लिए जो गारंटीड एडिशन मिलेंगे वो 2.5 लाख रुपये के मिलेंगे, लेकिन दोस्तों जो पॉलिसी टर्म 20 साल वाली है उसमें पहले 5 साल के बाद जो गारंटीड एडिशन मिलेंगे वो हो जाएंगे 6,05,000 रुपये के। और दूसरी पॉलिसी जो 14 साल वाली है दोस्तों उसमें 5 साल बाद जो टोटल गारंटीड एडिशन मिलेंगे वो हो जाएंगे 2,75,000 रुपये के। नेक्स्ट दोस्तों हम मैच्योरिटी बेनिफिट्स देख लेते हैं। 20 साल पॉलिसी टर्म के लिए सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी मिल जाएगा, टोटल गारंटीड एडिशन मिल जाएगा और लॉयल्टी एडिशन मिल जाएगा। सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी दोस्तों 10 लाख का 10% मिलेगा उनको सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपये, बिकॉज 45% करके दो बार उनको सर्वाइवल बेनिफिट्स ऑलरेडी मिल चुके हैं, तो 90% वो ले चुके हैं, बचा हुआ 10% मिल जाएगा। गारंटीड एडिशन अगर हम बात करें 2.5 लाख और 6,05,000 रुपये, तो टोटल 8,55,000 रुपये के गारंटीड एडिशंस भी उनको मिल जाएंगे। और दोस्तों अगर हम टोटल बात करें 1 लाख बचा हुआ सम अश्योर्ड का, 8.55 लाख गारंटीड एडिशंस के टोटल और लॉयल्टी एडिशन जो भी इकट्ठा हुआ वो मिल जाएगा, टोटल 9.55 लाख प्लस लॉयल्टी एडिशन उनको देखने को मिल जाएगा एज ए मैच्योरिटी बेनिफिट। नेक्स्ट दोस्तों 14 ईयर्स वाली पॉलिसी का देख लेते हैं। सम अश्योर्ड और मैच्योरिटी उनको मिल जाएगा अपने बेसिक सम अश्योर्ड का 40%, क्यों, क्योंकि 60% वो ऑलरेडी ले चुके हैं एज ए सर्वाइवल बेनिफिट्स, तो उनका 4 लाख रुपये, तो दोस्तों उनका 4 लाख रुपये बन जाएगा, 10 लाख का 40% 4 लाख रुपये। गारंटीड एडिशन उनके हो जाएंगे 2.5 लाख प्लस 2.275 लाख 5.25 लाख, टोटल बात करें अगर हम मैच्योरिटी पे 4 लाख उनके बचे हुए सम अश्योर्ड के, 5.25 लाख उनके गारंटीड एडिशन के, प्लस दोस्तों लॉयल्टी एडिशन अगर इकट्ठा हुआ होगा तो वो मिल जाएगा। दोस्तों इसमें LIC आपको सेटलमेंट ऑप्शन दे देता है मैच्योरिटी और डेथ बेनिफिट्स को, अगर आप चाहें 5 साल, 10 साल और 15 साल की इंस्टॉलमेंट्स में भी ले सकते हैं, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली मोड चुन सकते हैं, और कम से कम इंस्टॉलमेंट अमाउंट कितना होना चाहिए वो भी आपके सामने है। दोस्तों नेक्स्ट हमने आपके सामने एक छोटा सा चार्ट शेयर किया है 10 लाख के बेसिक सम अश्योर्ड के साथ, आपकी एज, पॉलिसी टर्म, प्रीमियम पेमेंट टर्म के हिसाब से आपका जो प्रीमियम है वो कितना बनेगा। बाकी दोस्तों ग्रेस पीरियड की बात करें, मंथली मोड ऑफ प्रीमियम में आपको 15 दिन का देखने को मिल जाएगा, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली मोड में 30 दिन का देखने को मिल जाएगा। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों सारी की सारी डिटेल्स हमने इस पॉलिसी की आपके साथ डिस्कस कर दी। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे इंस्टा का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके जरूर से हमें फॉलो कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।